हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट का फाइनल पार्ट, पार्ट 4। अगर अभी तक आपने पार्ट 3 नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पहले पार्ट 3 विजिट कीजिए। तो पार्ट 4 में और अपना लास्ट टॉपिक है कैटलिस्ट। देखो, कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो कभी कभी अपन ने देखा था कि रिएक्शन जो होती है वो दो तरह की होती है, फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन। तो कभी कभी अपन ये चाहते हैं कि रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाए अकॉर्डिंग टू अवर नीड। तो वो चेंज करने के लिए अपन जो सब्सटेंस यूज करेंगे उनको क्या कहेंगे, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो सब्सटेंस उस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते। पूरी रिएक्शन खत्म होने के बाद वो वैसे के वैसे ही वापस ऑप्टेन भी हो जाते हैं। तो कैटलिस्ट किसे कहेंगे, दो सब्सटेंस विद चेंज। इसे यहां पर इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिख, क्या लिखना है, चेंज। इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो दो सब्सटेंस विच चेंज द वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड नॉट कंज्यूम बाय रिएक्शन सो रिमेन अनचेंज इज नॉन एज कैटलिस्ट। देखो, कैटलिस्ट को एकदम सिंपल से एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं। सपोज करो कि कोई दो लोग फाइट कर रहे थे, तो वो जो दो लोगों की फाइट है वो बेसिकली उन दोनों के बीच की एक केमिकल रिएक्शन है। अब कोई थर्ड पर्सन आकर दो तरह के काम करवा सकता है। वो उन्हें समझा सकता है कि लड़ना नहीं चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो वो दोनों लड़ना बंद कर देंगे, बोले तो उनके बीच की केमिकल रिएक्शन क्या होगी, कम हो जाएगी। और वो ऐसा भी हो सकता है कि वो उनको आकर और मोटिवेट करे कि लड़ो, मतलब एक दूसरे को भड़काए जिससे उन दोनों के बीच की लड़ाई और बढ़े। तो ये उनके केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहा है, और बढ़ा रहा है। ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, वो भी कैटलिस्ट होंगे। अब दोनों ही केस में जो लड़ रहे थे नुकसान उनका है, जो थर्ड पर्सन आया उसका कोई नुकसान नहीं है। मतलब वो रिएक्शन के दौरान कैसा रहा, अनचेंज्ड रहा। दो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, एक वेजिटेबल ऑयल हाइड्रोजन वेजिटेबल घी। आपने डालडा घी के बारे में सुना होगा। तो बेसिकली वो क्या होता है कि ऑयल जो होता है, जो कि लिक्विड स्टेट होती है, उसमें हाइड्रोजन गैस पास करवाई जाती है। और हाइड्रोजन गैस पास करवाने से वो जो ऑयल जो लिक्विड था वो सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेट में आ जाता है और उसकी अपीयरेंस जो होती है वो घी जैसी दिखने लगती है। इसलिए उसको अपन वेजिटेबल घी कहते थे। और ये जो रिएक्शन होती है वो स्लो होती है। तो उसे फास्ट कराने के लिए, अगेन रिएक्शन चेंज तो कर रहे हैं अपन वेलोसिटी, तो चेंज करने के लिए क्या डाला जाता है, निकल कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे कैसे, ये रिएक्शन अपन पहले दो बार कर चुके हैं। देखो, ये वाला साइन किसका था, थर्मल चीज का था। ठीक है, थर्मल डिसोसिएशन, एक रिएक्टेंट दो में टूट रहा है तो ये थर्मल डिसोसिएशन हुआ क्योंकि हीट की प्रेजेंस में हो रहा है। और दूसरा, अपन ने ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन में भी एग्जांपल में देखी थी। इसका मतलब 2KCl3 का 2KCl+3O2 में कन्वर्ट होना एक कैसी रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है। और अगर अपन फास्ट करवाना चाहे तो अपन ऊपर से क्या ऐड कर दिया, अपन ने कैटलिस्ट कौन सा कर दिया, MnO2। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। कैटलिस्ट कितने तरह के होते हैं, तो टाइप ऑफ कैटलिस्ट जो होता है वो दो तरीके से अपन स्टडी करेंगे। एक बार करेंगे फिजिकल स्टेट के बेसिस पर और एक बार करेंगे मोड ऑफ एक्शन या वो कैटलिस्ट क्या काम करता है इसके बेसिस पे। पहले ये देखते हैं कि कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर कैटलिस्ट कितने तरह के होते हैं। तो देखो, एकदम सिंपल सा है। अगर कैटलिस्ट की खुद की फिजिकल स्टेट, बोले तो सॉलिड लिक्विड और गैस, उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से क्या करे, मैच करे, तब तो उसे कहेंगे होमोजीनस कैटलिस्ट। बोले तो अगर कैटलिस्ट सॉलिड है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट और दोनों ही सॉलिड है, या कैटलिस्ट गैस है तो वो दोनों भी गैस है, कैटलिस्ट लिक्विड है तो वो दोनों भी लिक्विड है, मतलब तीनों की फिजिकल स्टेट एक जैसी, या तो तीनों सॉलिड में, तीनों लिक्विड में, या तीनों गैस में हो, ऐसे केस में जो कैटलिस्ट यूज करते हैं उसे अपन क्या कहेंगे, होमोजीनस कैटलिस्ट। दूसरा होता है हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस में कैटलिस्ट की खुद की जो फिजिकल स्टेट होती है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से क्या होती है, अलग होती है, उसे अपन क्या कहेंगे, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। तो देखते हैं, देखो होमोजीनस कैटलिस्ट कौन सा होता है, व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तीन चीजों की देखनी है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटलिस्ट आर सेम, देन इट इज नोन एज होमोजीनस कैटलिस्ट। जैसे ये एग्जाम्पल दिए रखा है, 2SO2O2 और 2SO3। SO2 भी गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस है, SO3 भी गैस है, और जो NO नाइट्रिक ऑक्साइड जो अपन ने यूज किया वो भी क्या है, गैस। तो सब के सब गैस है, तो ये कैसा हुआ, होमोजीनस कैटलिस्ट, एकदम सिंपल सा है। नेक्स्ट है
हेट्रोजीनस कैटलिस्ट देखते हैं। तो देखो हेट्रोजीनस कैटलिस्ट में क्या होगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट होगी वो क्या नहीं होगी, सेम नहीं होगी, सेम नहीं होगी। तो जैसे कि ये एग्जांपल N2+3S2 2NH3, इसमें देखो ये गैस है और ये भी गैस है। अगर कैटलिस्ट लेते हैं वो भी अगर गैस होता तो ये रिएक्शन कैसी हो जाती, होमोजीनस। लेकिन जो कैटलिस्ट यूज किया वो कैसा है, सॉलिड, इसका मतलब ये कैसा हो गया, हेट्रोजीनस। यही वेजिटेबल घी वाली जो रिएक्शन है उसमें वेजिटेबल ऑयल लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है, वेजिटेबल घी जो है वो सॉलिड है और निकल भी कैसा है, सॉलिड, सबकी अलग अलग है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला टॉपिक है टाइप ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। कैटलिस्ट जो होता है वो एक्शन, बोले तो कैटलिस्ट क्या काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे जो होता है कैटलिस्ट चार तरह के होते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन की वेलोसिटी को बढ़ाएंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन की वेलोसिटी को घटाएंगे, ऑटो कैटलिस्ट, इसमें बाहर से कैटलिस्ट डालने की नीड नहीं होगी, जब रिएक्शन प्रोसीड होगी तो उस रिएक्शन का कोई प्रोडक्ट ही किसकी तरह काम करेगा, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। और लास्ट है बायो कैटलिस्ट, अपने लिविंग थिंग के अंदर भी कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनको केमिकल रिएक्शन का दर्जा दे सकते हैं, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, बायोकेमिकल रिएक्शन। और उन बायोकेमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी चेंज करने के लिए जो सब्सटेंस यूज करेंगे वो क्या कहलाएंगे, बायो कैटलिस्ट। ठीक है, वन बाय वन इनको अपन देखते हैं, पहले आप ये सब नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट, देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, नाम से क्लियर है, पॉजिटिव मतलब ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो ऐसे कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट। दो एग्जांपल इसके, दोनों ही अपन पहले कर चुके हैं तो नई इक्वेशन लर्न करने की बर्डन नहीं रहेगी आप लोगों पर। ये दोनों में जो MnO2 और NO लिया गया है ये दोनों ही कैसे है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। एक बार इन सबके नाम भी ले लेते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो नीचे नोट डाउन कर लेना। ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट और ये है पोटेशियम क्लोराइड। ये क्लोरेट RATE, ठीक है, ये क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ऑक्सीजन, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसे कहते हैं मैग्नीज ऑक्साइड, क्या कहेंगे, मैग्नीज ऑक्साइड, और ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, जैसे पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वो क्या कहलाएंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कारण है कि अगर कोई रिएक्शन स्लो होती है तो अपना मोटिव समझ में आता है कि अपन उसको फास्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई रिएक्शन फास्ट हो रही है तो उसे स्लो कौन करना चाहेगा, इतना किसके पास टाइम पड़ा कि वो चाहेगा कि केमिकल रिएक्शन स्लो। तो देखते हैं कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है। तो दो अच्छे एग्जाम्पल है उनसे समझो। H2O2 जो होता है वो होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इसकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इसे अपन मेडिकल सोप से खरीदते भी हैं, जैसे मुंह में अल्सर वगैरह हो जाते हैं, और भी इसके पर्पज है, जो भी हो इसको किसी पर्पज के लिए यूज करते हैं। ये जो होता है वो पड़ा पड़ा डिसोसिएट हो जाता है स्पेशली लाइट की प्रेजेंस में, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वॉटर और ऑक्सीजन। अब वॉटर और ऑक्सीजन में वो प्रॉपर्टी नहीं है जो हाइड्रोजन परऑक्साइड में थी, ये एक तरह का क्या है, डिसोसिएशन हो रहा है। अब मैं नहीं चाहता कि हाइड्रोजन परऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो, वाटर और ऑक्सीजन में, तो मैं इस कन्वर्जन को रोक तो नहीं सकता, लेकिन इस कन्वर्जन को क्या कर सकता हूं, स्लो कर सकता हूं। और ऐसा करने के लिए मैं जो सब्सटेंस यूज करूंगा वो क्या होगा, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो नेगेटिव कैटलिस्ट तब डाले जाते हैं जब मैं किसी अनवांटेड रिएक्शन को रोकना चाहूं। अब मैं रोक तो नहीं पाऊंगा पर उसे क्या कर सकता हूं, स्लो कर सकता हूं। तो ये करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या ऐड किया जाता है, ग्लिसरीन। एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कारण है कि ग्लिसरीन जो होता है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऐड किया जाता है, सिर्फ इतना। तो अपन को क्या लिखना है कि पहले तो ये रिएक्शन लिख देनी है, फिर लिखना है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड डिसोसिएट होता है वाटर और ऑक्सीजन में, जो इतना यूजफुल नहीं होगा, और उसे रिड्यूस या इस रिएक्शन को रिड्यूस या इस रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए अपन क्या ऐड करते हैं, ग्लिसरीन ऐड करते हैं। मेन इक्वेशन है, अगर आप इक्वेशन लिख देते हो और फिर ये लिख देते हो ग्लिसरीन नेगेटिव कैटलिस्ट है, काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा कैसा है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, आप सबने सुना है क्लोरोफॉर्म क्या होता है, बेहोश करने के लिए दिया जाता था। ठीक है, अब इतना यूज नहीं करते इसका। जो क्लोरोफॉर्म है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्जिन। अगेन क्लोरोफॉर्म क्या होता है, पड़ा पड़ा जो एयर की ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट कर लेता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्जिन में।
और फॉस्जीन जो होती है वो पॉइजनस होती है। क्लोरोफॉर्म से तो अपन से बेहोश होंगे, फॉस्जीन से परमानेंट ही हो जाएंगे बेहोश, ठीक है। तो इस रिएक्शन को रोकने के दो तरीके, पहला तो क्लोरोफॉर्म की जो बोतल जो पैकिंग आती है उसे एयर टाइट चैम्बर में पैक करके रखे, लेकिन कभी तो खोलेंगे, तो जब खोलेंगे तो एयर थोड़ी सी अंदर चली जाएगी, ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगी और क्या बन जाएगी, फॉस्जीन, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता ये हो, ये तो खराब है, तो मैं क्या करता हूं, क्लोरोफॉर्म के अंदर थोड़ा सा अमाउंट किसका ऐड कर देते हैं, C2H5OH, जो कि बेसिकली क्या है, इथेनॉल। ये जो है वो नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और क्लोरोफॉर्म को फॉस्जीन में कन्वर्ट करने की जो रिएक्शन है उसको ये क्या कर देगा, स्लो कर देगा। अब स्लो कर देगा तो जब अपन कंटेनर खोलेंगे तो यूटिलाइज कर लेंगे टाइम पर, और उस टाइम जिस टाइम में ये फॉस्जीन में कन्वर्ट होगा उससे पहले अपन यूज कर लेंगे, क्योंकि जो इथेनॉल है वो इस रिएक्शन को क्या कर चुका है, स्लो कर चुका है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पे भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोफॉर्म में इथेनॉल क्यों ऐड किया जाता है, तो क्या लिखेंगे, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो इथेनॉल जो फॉस्जीन जो कि पॉइजनस सब्सटेंस है उसमें क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को रोकने के लिए अपन ऊपर से रोक तो क्या सकेंगे, स्लो डाउन करने के लिए ऊपर से अपन क्या ऐड करेंगे, इथेनॉल। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन रिपीट कर देता हूं, दोनों ही क्वेश्चन के आंसर में अगर रिएक्शन अच्छे से लिखकर ये लिख दें कि ये नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है तो अपना काम हो जाएगा, और ये थ्योरी लिख पाओ तो सोने पे सुहागा, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, आगे है ऑटो कैटलिस्ट। तो ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है, जैसे ये एक रिएक्शन है जिसमें अपन ने ऊपर से कोई कैटलिस्ट नहीं लिया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक रिएक्शन प्रोसीड होती है और उस रिएक्शन का कोई प्रोडक्ट बनते ही वो रिएक्शन की वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है, मतलब स्टार्टिंग में वो रिएक्शन स्लो होती है लेकिन जैसे ही वो पर्टिकुलर सब्सटेंस बनने लगता है तो रिएक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो वो प्रोडक्ट इस कैटलिस्ट इस रिएक्शन के लिए क्या काम कर रहा है, कैटलिस्ट का, और वो खुद का ही सब्सटेंस है, बोले तो सेल्फ है, तो ऑटो कैटलिस्ट। तो वो प्रोडक्ट जो किसी रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करे वो क्या कहलाते हैं, ऑटो कैटलिस्ट। जैसे इस रिएक्शन में एसिटिक एसिड क्या है, ऑटो कैटलिस्ट। ये रिएक्शन मैं पहले लिख चुका हूं, आप में से कोई बता सकता है ये रिएक्शन कहां लिखी भी। इस रिएक्शन को याद करने का एक तरीका, देखो ये वाला कंपाउंड जो है वो याद कर लो, फिर यहां तक COO जो है यहां तक अपन को इसको तोड़ देना है, ठीक है, और इसके आगे लगा देना है OH, तो देखो ये बन गया, और C2H5O इसके आगे लगा देना है H, और ये बन गया। अब ये OH और H कहां से है, H2O से, ठीक है। देखो अगेन यहां तक तोड़ देंगे और फिर क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये C2H5O के आगे H लगा देंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है बायो कैटलिस्ट। तो देखो अपनी बॉडी के अंदर भी कुछ रिएक्शन चलती है जिनको कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। स्पेशली देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है डाइजेशन। डाइजेशन होता है ना, अपनी बॉडी में जो अपन फूड कंज्यूम करते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है, ये भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। अब इन बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए जो सब्सटेंस अपने अंदर होते हैं उन सब्सटेंस को क्या कहते हैं, बायोकैटलिस्ट, ठीक है। ये जनरली प्रोटीन और नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, विच इंक्रीज रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इज नॉन एज बायोकैटलिस्ट, और इन्हीं बायोकैटलिस्ट को अपन क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन ने बहुत सारे एंजाइम पढ़े, ठीक है, दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। देखो ये जो है वो यूरिया है, NH2CONH2 यूरिया। यूरिया क्या होता है, अपन जो यूरिन सिक्रेट करते हैं उसमें जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, यूरिया। उसको वाटर से रिएक्ट कराकर अमोनिया और CO2 में कन्वर्ट करना, ये जो रिएक्शन होती है ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, यूरिएज। इसका नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये क्या है, यूरिया, ये तो आप जानते होंगे, नहीं तो ये अमोनिया है, ठीक है। नेक्स्ट है माल्टोज। जब अपन डाइजेशन करते हैं तो अपन जो फूड कंज्यूम करते हैं उसमें एक शुगर होती है माल्टोज, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट, जो अपन अनाज वगैरह खाते हैं ना, माल्ट, माल्ट बोले तो ग्रेन्स, उसमें जो शुगर होती है उसको कहते हैं माल्टोज, और उस शुगर को अपन डाइजेस्ट करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में। और ये रिएक्शन किस एंजाइम की प्रेजेंस पे होती है, माल्टेज, ASE है पीछे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, बायोकैटलिस्ट की एग्जांपल। एक क्वेश्चन लिखा है, बेसिकली एक क्वेश्चन लिखने का मेरा मोटिव ये है, मैंने जब होमोजिनस रिएक्शन करवाई थी तो उसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल लिखा, हर रिएक्शन के नीचे आप कम से कम दो एग्जांपल लर्न करो, तो ये दो एग्जांपल लिखे हुए होमोजिनस के, एक तो अपन उस समय कर चुके थे, ये एक और, तो नोट कर लेना आप, ठीक है। ये रिएक्शन जो है इसको अलग से ना देखे, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन सेम है, जहां C2H5 लिखा हुआ वहां CH3 लिख देना,
यहाँ पे भी C2H5 था, यहाँ पे भी CH3 हो गया, ठीक है। तो एक ही पैटर्न से याद हो जाएगी। इसमें ये सारे के सारे सब्सटेंस लिक्विड है, और HCl कैटलिस्ट लेते हैं, वो भी कैसा है, लिक्विड, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये नोट कर लीजिए। एक लास्ट टॉपिक बचेगा अपना, तो पहले आप ये नोट कर लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैटलिस्ट प्रमोटर और कैटलिस्ट इनिबिटर। तो देखो, कैटलिस्ट प्रमोटर और कैटलिस्ट इनिबिटर क्या होते हैं, कभी कभी अपन ये चाहते हैं कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को चेंज करें, इंक्रीज और डिक्रीज। कैटलिस्ट की एक्टिविटी की बात चल रही है, ठीक है। तो ऐसे समय में जो अपन सब्सटेंस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, उन्हें कहते हैं कैटलिस्ट प्रमोटर, और जो सब्सटेंस अपन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटाने के लिए यूज करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, कैटलिस्ट इनिबिटर, ठीक है। तो कैटलिस्ट प्रमोटर, प्रमोट बोले तो इंक्रीज करना एक्टिविटी, और इनिबिटर बोले तो इनिबिट बोले तो रोकना या कम करना किसकी, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को, ठीक है। तो दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट प्रमोटर, और दो सब्सटेंस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज नॉन एज कैटलिस्ट इनिबिटर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक ही एग्जांपल दोनों में यूज कर सकते हैं, N2+3H2 2NH3, ये रिएक्शन नीचे। Fe अपन जानते हैं कि क्या है, एक तरह का पॉजिटिव कैटलिस्ट है, क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब इस Fe कैटलिस्ट की अगर एक्टिविटी बढ़ाना चाहे तो MO, मॉलीबेडेनम, M कैपिटल O कैपिटल, मॉलीबेडेनम का यूज करेंगे, और अगर इस Fe कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटाना चाहे तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये यूज करेंगे, जिसे अपन क्या कहेंगे, कैटलिस्ट इनिबिटर। जब भी अपन कैटलिस्ट प्रमोटर और इनिबिटर के एग्जांपल लिखते हैं, तो रिएक्शन लिखने के बाद ऐसे नीचे अलग से लिखेंगे कि Fe क्या है भाई, कैटलिस्ट, और MO क्या है, कैटलिस्ट प्रमोटर, ताकि उसे पता चले कि कौन सा पार्ट कैटलिस्ट है और कौन सा पार्ट क्या है, प्रमोटर या इनिबिटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और रिएक्शन है, वेजिटेबल ऑयल वाली। इसमें अपन सब जानते हैं निकल जो होता है वो कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है, और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां पर निकल कैटलिस्ट की तरह किसका काम कर रही है, कैटलिस्ट प्रमोटर का। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट। तो देखो, कैटलिस्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो अपन को इसमें नोट करनी है। तो सबसे पहला है, कैटलिस्ट डू नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन, इट ओनली चेंज द वेलोसिटी। कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते, रिएक्शन जो चल रही थी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन स्मॉल अमाउंट। बेसिकली ये पॉइंट ये है कि कैटलिस्ट की थोड़ी सी अमाउंट काफी होती है, किसके लिए, रिएक्शन की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, अपन को डालनी पड़ेगी, थोड़ी सी अमाउंट अगर कैटलिस्ट की अपन यूज करें तो रिएक्शन की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए काफी होती है। नेक्स्ट है कैटलिस्ट चेंज द रिएक्शन वेलोसिटी बट इट केमिकल कंपोजिशन एंड अमाउंट डू नॉट चेंज। कैटलिस्ट रिएक्शन की वेलोसिटी को चेंज तो करता है लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। बेसिकली उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, उसकी अमाउंट चेंज नहीं होती। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो Fe कैटलिस्ट जो यूज किया था, वो Fe कैटलिस्ट जो है वो ऐसे नहीं है कि रिएक्शन खत्म होने के बाद आयरन ऑक्साइड या किसी और चीज में कन्वर्ट हो गया। Fe के फॉर्म में रहेगा, जितना अमाउंट था उतना अमाउंट ही रहेगा, ठीक है। तो वो रिएक्शन खत्म होने के बाद अनचेंज्ड फॉर्म में ऑब्टेन होगा। उसका काम सिर्फ रिएक्शन की वेलोसिटी को क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है। स्पेसिफिक होने का मतलब है कि एक कैटलिस्ट सिर्फ एक रिएक्शन पे काम करेगा। जैसे Fe कैटलिस्ट N2+3H2 2NH3 इस वाली रिएक्शन के लिए काम करता है, तो ऐसा नहीं है कि ये किसी भी रिएक्शन पे Fe कैटलिस्ट लिख दो वो उसके लिए कैटलिस्ट का काम करेगा, नहीं। Fe सिर्फ इसी रिएक्शन को क्या करेगा, कैटालाइसिस करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तब क्या। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती है। जैसे मान लो ए से बी का बनना एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ए से बी भी बनेगा और बी से क्या बनेगा, ए भी बनेगा। तो कैटलिस्ट जो होंगे वो ए से बी बनने को भी कैटलिस्ट करेंगे और बी से ए बनने को भी कैटालिसिस करेंगे। मतलब एक कैटलिस्ट रिवर्सिबल रिएक्शन को दोनों डायरेक्शन में क्या करता है, कैटलिस्ट करता है, ठीक है। तो दोनों को सेम वे में क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है कैटलिस्ट एक्टिविटी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। देखो, हर कैटलिस्ट जो होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही अच्छे से काम करता है। उस टेम्परेचर से कम या ज्यादा पे उसकी एक्टिविटी गड़बड़ होने लगती है। इसका अच्छा सा एग्जांपल है अपना बीमार होना। देखो, अपनी बॉडी के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो भी बेसिकली क्या है, कैटलिस्ट, और वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर काम करने के हिसाब से 37 डिग्री सेंटीग्रेड अपना टेम्परेचर होता है। लेकिन जब अपना फीवर वगैरह आता है और अपना टेम्परेचर बढ़ता है
तो उस समय ये एंजाइम सही ढंग से काम नहीं कर पाते। यही वजह है कि बीमार होने पर या फीवर आने पर अपना डाइजेशन वगैरह गड़बड़ जाता है और अपन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, अपन को भूख ज्यादा नहीं लगती। बेसिकली अपने डाइजेस्टिव एंजाइम जो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि एंजाइम भी क्या होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक रिएक्शन है जो आप काफी जगह क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये रिएक्शन अगर N2+3H2 2NH3 ऐसे लिखी जाए तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट है। इसको फ्लिप करके लिखे, बोले तो 2NH3 इधर और N2+3H2 इधर लिखे, तो ये एक डिसोसिएशन रिएक्शन है। क्या है? डिसोसिएशन रिएक्शन। अगर इस एरो की जगह ऐसे रिवर्सिबल का साइन लगा दें ऐसे, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और अपन रिवर्सिबल रिएक्शन में इसको नॉट भी कर चुके हैं क्योंकि ये रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में चलती है। नेक्स्ट, अगर ये रिएक्शन लिखकर ऊपर Fe लिखता हूं तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट के एग्जांपल में लिख सकते हैं। अगर ये रिएक्शन लिखकर Fe के ब्रैकेट में MO लिख दे तो ये कैटलिस्ट प्रमोटर में लिखी जा सकती है। अगर ये रिएक्शन लिख के Fe के ब्रैकेट में CO लिख दे तो ये कैटलिस्ट इनिबिटर में लिखी जा सकती है। तो ये एक ही रिएक्शन काफी जगह यूटिलाइज हो सकती है। इस चैप्टर की सारी रिएक्शनों को अच्छे से प्रैक्टिस करें। देखो रिएक्शन के साथ में जो ये नीचे इक्वेशन लिखी हुई है, इन इक्वेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। एग्जाम में इक्वेशन पे विशेष ध्यान दिया जाता है, तो आप इक्वेशन को अच्छे से लर्न करें। ठीक है, और ये इक्वेशन को याद करने के लिए उनको नेम के फॉर्म में याद करें, जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, ऐसे याद करें और प्रैक्टिस करें इसकी बार बार। इसे डरे ना, ठीक है, जितने अच्छे से लर्न कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो खूब सारा हार्डवर्क कीजिए इस चैप्टर पे, और ये चैप्टर इसी के साथ अपना एंड भी होता है। तो ये चैप्टर के चार पार्ट है, चारों पार्ट आप बारी बारी से अच्छे से देखकर उसे अच्छे से स्टडी कीजिए। ठीक है, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब मस्त रहिए और खूब टाइम दीजिए अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को। टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए।